फ्रेंड्स, कुछ छोटे छोटे इलाज, होम्योपैथी की सदाकत और होम्योपैथी की रिपेडिटी, इसकी जबरदस्त रफ्तार को जाहिर करते हैं, जिससे होम्योपैथी की हर अदा पर प्यार आता है। वह ये कि फिश पार्टी थी, दोस्त हम इकट्ठे हुए हुए थे। कजाफी स्टेडियम में एक मशहूर फिश वाले हैं, जहां से हमने खूब फिश खोरी की, जिसका रिजल्ट रात को हमने पार्टी की है। 12-1 बजे घर आए हैं और रात को 3 बजे उसका रिजल्ट निकल आया है। जब टॉयलेट में दौड़ लगना शुरू होगी हर घंटे के बाद, फिर जब सुबह मैं 9 बजे उठा, तो फिर आधे घंटे के बाद, दरमियान में एक आध बार मैंने आर्सेनिक एल्बम ली, मगर मैंने ना रिपल्टी को देखने का तकल्लफ किया, बस वो जो अलामत आ रही थी उसके मुताबिक आर्सेनिक एल्बम ले ली। थोड़ा सा मुझे रिलीफ सा बस हुआ, मगर मैं ठीक नहीं हुआ। और ये सिलसिला आधे घंटे बाद जब आ गया और जबरदस्त किस्म की, मतलब फ्लोर लासिस हो गए, तो तकरीबन 3:30 के लगभग मैंने हाथ खड़े कर दिए। अभी तक मैंने सुबह से अब तक सिर्फ आर्सेनिक एल्बम की एक डोज ली थी और मैं मेडिसिन लेना ही नहीं चाह रहा था। अब जब 3:30 बजे, सुबह 3 बजे से लेकर रात शाम के 3:30 बजे जब मैंने हाथ खड़े कर दिए, तो तब मैंने लैपटॉप खोला और रिपर्टरी ओपन की और देखा कि आखिर इस मसले का, इस नागहानी मसले का हल क्या हो। तो मेडिसन निकाली मैंने, डायरिया आफ्टर ईटिंग फिश, एक ही मेडिसन थी। मेडिसन का नाम था चिनिनम आर्सेनिकम। अब मैं क्लिनिक गया नहीं था, घर में या आर्सेनिक थी या चाइना थी, आर्सेनिक में ले चुका था। अब ये था कि मैं चिनिनम आर्सेनिकम उसकी कैसे बनाऊं, कि उधर से चना लूं और आर्सेनिक ले लूं और बन जाए, मगर इस चीज पर मैंने बिलीव नहीं किया। तो एंड मैंने यही सोचा कि यार चना ले लेते हैं, अब आगे देखी जाएगी जो होगा। चना लिए, अंदाजा नहीं होगा आपको और मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मेडिसिन क्या इफेक्ट डालेगी। यूं जुबान पर रखी है और बिल्कुल जैसे आप किसी कपड़े को बेशुमार बाल डाल चुके हो और आप उसे इस्त्री करें, तेज स्त्री करें, और वो बिल्कुल सीधा हो जाए, बिल्कुल सारी आंतें इस तरह सीधी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी प्रॉब्लम के ना। कि उसके बाद मुझे याद ही नहीं है कि दोबारा जो है वो पखाना कब आया, वो नेचुरली आया मेरे ख्याल अगले दिन में कहीं। फौरन रिकवरी, जो सारे फ्लूड लॉसिस हो चुके थे सब के सब मजेदार किस्म का, दोबारा काम करने के काबिल और बिल्कुल इजी रिलैक्स। तो जब भी आप फिश पार्टी करें, आप जेन में रखें कि चिनिनम आर्सेनिकम आपके पास होनी चाहिए। कोई पता नहीं है कि दोस्तों से मुकाबलाबाजी में वो बंदा कहाँ से कहाँ, अगरचे मैं फ्राई आइटम से भी एहतियात करता हूँ और ज्यादा खाने से भी परहेज करता हूँ और रात को खाने से खास तौर पर परहेज करता हूँ, मगर उस दिन ये तीनों वायोलेशन हुई। याद रखें, जब इस तरह के हालात हों रिपल्ट्री को कंसल्ट जरूर करें, और अगर आप फिश पार्टी कर रहे हैं तो उसकी तो मेडिसिन पक्की है ना, चिनिनम आर्सेनिकम, अगर उसके बाद डायरिया हो जाता है। मगर जब कभी कोई भी वाकया हो तो रिपल्ट्री को कंसल्ट जरूर करें। कंसल्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर दवाई मिलेगी और एक खुराक के बाद यूं समझे कि जैसे ईमान ताजा हो जाता है। जब वो एक डोज मैंने चाइना की ली है तो उसके बाद जैसे ईमान ताजा हुआ है, इस तरह जाकर जिस्म पर उसने इफेक्ट किया। हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन बिल्कुल इसी तरह ही काम करती है, बिशर्ते के वो अलामात के मुताबिक हो। टोटलिटी ऑफ सिम्टम, इंडिविजुअलाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए सिमिलर मेडिसिन जरूर ढूंढें। अगर मेडिसिन मिल जाती है तब यूं समझें कि सारे काम हो गए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मरीज को मुकम्मल शफा देगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।